नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सिंह और आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो। 11 साल का इजरायली बच्चा मोशे आज अपने दादा के साथ उस नरीमन हाउस पहुंचा जहां उसके माता पिता पाकिस्तान के भेजे गए 10 आतंकवादियों का शिकार बने थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इजरायल गए थे तब मोशे से मिले थे और उसे मुंबई आने का न्योता दिया था। चश्मा लगाया हुआ मोशे भले ही 11 साल का हो चुका है लेकिन भारतीयों के लिए वो अब भी बेबी मोशे है। सुबह सुबह जैसे ही पारंपरिक यहूदी टोपी लगाए मोशे अपने नाना नानी और दादा दादी के साथ मुंबई एयरपोर्ट से बाहर आया, मीडिया ने मोशे को घेर लिया। मोशे अब भारत और इजराइल की दोस्ती का प्रतीक बन चुका है। नीले रंग की स्कूल यूनिफॉर्म जैसे लिबास में मोशे बेहद संजीदा किस्म का बच्चा लग रहा था। मोशे के साथ उसकी भारतीय नैनी सांद्रा भी इजराइल से आई है जिसने 26/11 के हमले में उसकी जान बचाई थी। नरीमन पॉइंट स्थित खबाद हाउस में बेसब्री से मोशे का इंतजार हो रहा था जहां उसने अपनी जिंदगी के 2 साल बिताए थे। यहीं आतंकियों ने मोशे के माँ बाप का कत्ल किया था। यहाँ के जो लोकल रबाई है और साथ साथ उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स है वो उन्हें इस जगह से इस जगह के बारे में समझा रहे थे, बता रहे थे कि ये जगह जो कम्युनिटी सेंटर है ज्यूइश लोगों का, वो कभी क्या हुआ करता था, उनके माता पिता ने क्या काम किया था और इसके बाद अब कितनी ये जगह बदल गई है। जाहिर है बेबी मोशे के लिए, मोशे बॉय के लिए ये बड़ा ही भावुक ये समय है। After the 26/11 terror attack, baby Moshe has come to the Nariman House, the place where he was saved by nanny Sandra Samuel who came earlier today. Baby Moshe is now relaxing with his family. मोशे भी बड़ा होकर अपने पिता की तरह रब्बी बनना चाहता है और यहूदी धर्म की धार्मिक पढ़ाई पढ़ रहा है। 18 जनवरी को पीएम मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू नरीमन हाउस में 26/11 के शहीदों की याद में एक स्मारक का उद्घाटन करेंगे। वो इस वक्त हिंदुस्तान में है, यहाँ पर 26/11 मेमोरियल का इनॉग्रेशन करने वाला है। इस नरीमन हाउस में एक मेमोरियल बना है जहाँ पर वो सारे लोग जिन्होंने 26/11 में अपनी जान गंवाई थी उनके लिए एक मेमोरियल बनाया गया है। और मोशे के आना यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वो 2 साल का था जब ये हमला हुआ था जिसमें उसने अपने माँ बाप को खो दिया था, लेकिन आज वो फिर से वापस आ रहा है 9 साल बाद उन सारी यादों को फिर से समेटने के लिए और खुद खुशी के पल हिंदुस्तान से ले जाने के लिए। कैमरा पर्सन किरण सपकाल के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक। कमला मिल आग हादसे के आरोपी और मोजो बिस्त्रो के मालिक युगतुली ने आज मुंबई पुलिस के सामने समर्पण कर दिया। युगतुली को अदालत ने 20 जनवरी तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। युगतुली की गिरफ्तारी के साथ कमला मिल आग हादसे के सारे आरोपी मुंबई पुलिस की गिरफ्त में आ गए हैं। मोजो बिस्त्रो के मालिक युगतुली ने आज सुबह एरएम जोशी थाने में आत्मसमर्पण कर दिया। अदालत ने उसकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। तुली को पुलिस ने भोईवाड़ा कोर्ट में पेश किया जहां उसे 20 जनवरी तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। प्रोसिक्यूशन का यह कहना था कि युगतुली जो है वो अपनी अरेस्ट जो है वो अवॉइड कर रहे थे, इसलिए वो भाग रहे थे। जब उनका एंटीसिपेटरी बेल जो है वो कैंसिल हुआ उसके बाद ही जो है उन्होंने जो है वो सरेंडर किया। प्रोसिक्यूशन की सब बातों को देखते हुए हम नहीं बोलते कि PCR हमको मत दो करके, ऐसा कभी होता नहीं है। कभी कोई आरोपी बोले भले आप PCR दे दो करके, हमने बोला कि लेकिन मिनिमम से मिनिमम दिन का दो, सो दैट कि पुलिस अथॉरिटीज़ भी सेटिस्फाई कर ले अपने आप को कि कैसे ये आरोपी इनोसेंट है। इसके लिए हमने अपोच किया कि 14 दिन का PCR नहीं देते आता। ये सब सुनने के बाद में माननीय न्यायालय ने 5 दिन का PCR दिया है। कमला मिल आग हादसे में मोजो का दूसरा मालिक योग पाठक पुलिस हिरासत में है और वन अबव के तीनों मालिक भी पहले ही पकड़े जा चुके हैं। 29 दिसंबर को कमला मिल में 2 रेस्टोरेंट पब, वन अबव और मोजो में भयानक आग लगी थी जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई थी। मुंबई से मयूरेश गणपते के साथ आज तक ब्यूरो। संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत को भले ही सेंसर बोर्ड ने हरी झंडी दे दी है मगर BJP शासित कई राज्यों ने साफ कर दिया है कि उनके राज्यों में फिल्म रिलीज नहीं होगी। गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान के बाद अब हरियाणा सरकार ने भी
फिल्म की रिलीज पर रोक लगा दी। तो आज दोबारा मैंने ये मामला उठाया कि सेंसर बोर्ड ने पास कर दिया है और इससे काफी बड़ी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी पैदा हो सकती है, तो इसको बैन किया जाए और सभी मंत्रियों ने उसका समर्थन किया और डिनरा कर दिया कि ये पिक्चर हरियाणा में बैन कर दी गई है। एक दिन पहले खुद मनोहर लाल खट्टर ने कहा था कि सेंसर बोर्ड ने फिल्म को हरी झंडी दे दी है तो फिर फिल्म रिलीज होगी, और एक दिन में ही फैसला बदल गया। वैसे हरियाणा अकेला राज्य नहीं है जिसे लगता है कि फिल्म में इतिहास से छेड़छाड़ हुई है। इसके पहले मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार, राजस्थान की वसुंधरा सरकार और गुजरात की रूपाणी सरकार ने पहले ही साफ कर दिया कि उनके राज्यों में पद्मावत रिलीज नहीं होगी। इधर करणी सेना का प्रदर्शन और धमकियों का सिलसिला जारी है। 25 कहीं काला दिवस न हो, मैं बार बार देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों से अनुरोध करता हूं, हमारी भावनाओं को समझें। हम नहीं चाहते कोई भी तरह की हिंसा। हम तो कहते हैं अहिंसा बहुत जरूरी है, हिंसा तो मजबूरी है, मजबूरी में हमें उस रास्ते पर जाने के लिए मजबूर न किया जाए। और मुंबई मेट्रो में आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आज तक देखते रहिए और साथ में लॉग इन कीजिए www.aajtak.in पर। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।